यह बिल्ली बहुत देर से यहाँ बैठी हुई है, भाग के डर से अब भाग रही है फाइनली, लगता है मोबाइल के डर से भाग गई है कि क्या कर रहा है ये। देखिए यहाँ जलेबी आया है, पास में एक स्कूल है वहाँ पर झंडा फहराया गया है तो जलेबी मिला है। वैसे भी आजकल जलेबी बहुत मिस कर रहे हैं, स्कूल में बुनिया झिलिया क्या सब मिलता था, रखा हुआ था, एक गायब हो गया। बिल्कुल एक इधर है। और यहाँ जो है क्या तैयारी चल रही है, कड़ी बड़ी बनेगा वहाँ जी? जी आज मैं बनाऊंगी कड़ी बड़ी। कड़ी बड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, उसके बाद जीरा, अजवाइन, नमक और हल्दी, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी डाल के मिलाते जाएंगे और इसका एक अच्छे से घोल बना के तैयार करेंगे। और जी जब हमारा घोल बन के तैयार हो जाएगा तो उसको ढक करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जी हमारा 15 मिनट पूरा हो जाएगा तो ढक्कन को हटा करके उसे थोड़ा देर और अच्छे से मिलाएंगे। और जी इधर हमारा घोल बनकर अच्छे से तैयार हो गया है तो हमें यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें सरसों तेल डालेंगे। और जी हमारा सरसों तेल गर्म हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए बेसन का एक दो घोल डालेंगे और जब पकौड़ी तल जाएगा तो समझ जाएंगे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो फिर हम अच्छे से पकौड़ी तलेंगे, जैसे तलते हैं तो यहाँ पे हम पकौड़ी तल रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारा पकौड़ी तल के तैयार हो। जी पकौड़ी बनने के बाद अब बारी आती है कढ़ी बनाने की, तो हम कढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं दही, दही को अच्छे से मिलाएंगे, 5-10 मिनट तक घोलते रहेंगे, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे बेसन, नमक। यहाँ पे हल्दी मेरा ख़त्म हो गया था तो जो बचा हुआ था तो हम उसको झाड़ करके डब्बे से पूरा डाल दिया। और जी फिर सबको एक साथ अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे छौंक लगाने के लिए डाल दिए हैं जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता, और सब जब हमारा पक गया तो उसमें जो सब मिला करके हम पहले से कढ़ी बनाने के लिए तैयार किए थे सबको डाल देंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारा कढ़ी अच्छे से उबल जाएगा तो उसमें हम अपना पकौड़ा डाल देंगे। फिर जी पकौड़े डालने के बाद 5-10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद ये देखिए हमारा कढ़ी बड़ी उबल के अच्छे से तैयार हो गया है और बन भी गया हमारा। और जी यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है और पतिदेव से पूछते हैं कैसा लगा खाने में। तो पहले खाने तो दो। खाके ना बताएंगे कुछ। हाँ तो जल्दी से खाइए ना, आप इंतजार कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, तारीफ सुनने के लिए इतना बेकार। अब क्या पता, आप तो कभी तारीफ करते ही नहीं है तो सुनने में तारीफ याद ही नहीं रहता तुमको, तुम क्यों करे तारीफ। बहुत बढ़िया, तो आप बताइए अब कैसा लगा, आप खाए आप? हम नहीं करेंगे तारीफ, खाएंगे मजा लेंगे। तो जी मैं यहाँ पर कुछ होटल देख रहा हूँ, लोग कहीं जाने वाले हैं घूमने के लिए और वो कहाँ जा रहे हैं अभी तो नहीं बताएंगे, जब जाएंगे तब आप लोग को मालूम चलेगा। तो एक सरप्राइज रखते हैं और बहुत ही मजेदार सरप्राइज होगा, बहुत ही खूबसूरत हम लोग जगह जा रहे हैं। के बारे में सोच रहे हैं कि टूर पैकेज ले लें या होटल ले लें, मन में आ रहा है कि एक बार टूर पैकेज ले लें, हमारा कोई झंझट ही नहीं, सब कुछ वो टूर एजेंसी के हाथ में रहेगा और वो हर जगह अपना घुमा देगा, जो भी होगा एक ऑर्गेनाइज तरीका होगा। और एक मन करता है कि वहीं जाए और वहीं पर खुद से एक्सप्लोर करे सब कुछ, तो वो ज़्यादा मज़ा होगा। लेकिन एक दिक्कत ये भी आ रहा है कि जिया की कॉलेज का कुछ काम है और हमें जाना है, जिस दिन कॉलेज का काम है उसके अगले दिन हमारा टूर का प्लान है, तो अगर कॉलेज का काम में कुछ हो गया आगे पीछे, जैसा कि कभी कभी हो जाता है कि कुछ डॉक्यूमेंट बाकी रह गया, कुछ मतलब और ज़रूरत पड़ गया, तो उस टाइम फिर एक दिन और कहीं एक्स्ट्रा लग गया कॉलेज में, तो अगर टूर प्लान हम लोग ले लिए, प्लान में आखिरी 7 दिन में अगर आप कैंसिल करते हैं तो 0 रिटर्न पॉलिसी है उनका, कि 1 भी रुपया रिटर्न नहीं करेंगे, आपको 7 दिन पहले बताना पड़ेगा और डेट भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है वो, तो क्या किया जाए वही समझ में नहीं आ रहा है। तो अंत में यही सोच रहे हैं कि शायद होटल ले लें तो वही ज़्यादा अच्छा है, वहीं पर जा करके लोकल टैक्सी हायर करके अपना घूमेंगे। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग बिल्कुल सजेस्ट कर दीजिए जी। 3 hours later. जी हम सो करके उठ गए हैं और अपना हाथ में ले ली है लाई और मज़े से लाई खा रहे हैं, 3-4 पीस ही बचा हुआ है इसलिए थोड़ा संभल संभल के खा रहे हैं ताकि थोड़ा सा बचा रहे। ये देखिए पीछे से जो हंसी आ रही है वह इन दोनों की, अपना ये लोग चाय पी रहे हैं रजाई में, कमाल कॉम्बिनेशन इनका है, लाए और चाय, लाए चाय चाय मोबाइल, किसी भी चीज में मोबाइल एकदम कंपलसरी रहता है। और रजाई में है आराम से मजे से, रजाई ने इतना अच्छा चाय बना के दिया है कि पूछिए मत। और पता है एक बात, क्या पता है, कमेंट आया था कि आप इतनी शॉपिंग मत करवाओ, मेरी बीबी से झगड़ा। हाँ जी एक अजय जी हैं
उनका कमेंट हमने देखा था। सासुर भाई मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। अच्छा। मेरे वीडियो देखकर कि मैं उतना अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। हाँ। तो प्लीज भाई थोड़ा हिसाब से शॉपिंग कराओ। अच्छा जी, हम ध्यान से शॉपिंग करेंगे। One hour later. और यहाँ देख सकते हैं जी, जिया मैडम कितना सीरियसली पढ़ाई कर रही है और अब यह ठीक हो चुकी है। कल इसकी तबीयत खराब थी और अपना इसका डोरेमोन का टेबल देखी है, जो फेवरेट टेबल है, बहुत सुंदर है, हम खरीदे थे अपने लिए। डोरेमोन कितना बोलते हैं आप, हम खरीदे थे और चंडीगढ़ से ढोकर यहाँ तक लेके आए। बहुत बढ़िया, आप तो वही छोड़ देते फ्रेंड टेबल। हम छोड़ देने वाले थे, इतना सामान कौन ढोकर के लाता। हम लेके आए ना। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो यहाँ से भी हम जहाँ शिफ्ट होंगे वहाँ। बहुत अच्छी बात है। और तुम जो है जल्दी से अब ठीक हो जाओ, जो भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, नहीं तो जा रहे हैं हम लोग पहाड़ पर, वहाँ पर और तबीयत खराब हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो फिर हमको अकेला जाना पड़ेगा। अच्छा, आप अकेले जाओगे, कितने झूठे हो, आप कभी नहीं जाओगे। आप ट्रिप तो पक्का है, वो जाना है, अब तुम जाओ या नहीं जाओ, बहुत दिन से घर में बैठे हैं। आप लोग बोलते हैं कितने अच्छे हस्बैंड हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे हस्बैंड। बहुत दिन से बाहर घूमने नहीं गए हैं जी, और घर में रहते रहते अब थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर निकलना चाहिए। घूमने के नाम से ही मेरा तबीयत ठीक हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। तो जी आज ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो सोचा कि आपके साथ यह जो टूर का प्लान है वही शेयर कर दो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। बस इतना हिंट दे देते हैं आपको, हम लोग नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। तो और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो वो आपको बताएंगे कुछ दिनों बाद जब हम वहाँ पर। टोपी देख सकते हैं आप कितना प्यारा, यही टोपी पहन के ये जाएंगे। बिल्कुल यही टोपी पहनेंगे, जब शिमला गए थे यही टोपी पहने थे हम। हाँ। तो जी फिर वहाँ पर जब चलेंगे तो वहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे और उम्मीद। हाँ, वहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं, शिफ्ट होने नहीं जा रहे, शिफ्ट हम लोग कहीं और होंगे, है ना। बिल्कुल जी, तो शिफ्ट जहाँ होंगे उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह छोटा सा ही वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और जी एक शेयर तो बिल्कुल कर दी, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।